रोलिंग अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे कि पता है कि ये पोर्शन कंट्रोल जोन डाइट है, इसमें हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं अपना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो आपके टूल्स होंगे, वो हैं मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पूंस। उनके ये आपको बताएंगे कि आपको कितना खाना है। सबसे पहले इस डाइट को शुरू करने से पहले, लाइक कोई भी मील खाने से पहले, आपको पीना है 3 ग्लास पानी। मैं इसको, ये ज़्यादा हैंडी रहता है मुझे, बॉटल में सारा 3 ग्लास पानी भर लेती हूँ, तो मुझे ईजी रहता है कंज्यूम करना पानी। सबसे पहले आपने पानी पीना है, फिर आपने कुछ भी खाना है। अब हम आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 फॉर योर ब्रेकफास्ट। हर मील में हम कोशिश करेंगे कि 5 ग्रुप्स फूड के हम यूज़ करें उसके अंदर, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है वो प्रोटीन है, क्योंकि आप प्रोटीन कंज्यूम करके बहुत ज़्यादा जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोटीन आ गया ब्रेकफास्ट के अंदर। सबसे पहले आपका एग, आपने एक एग लेना है, और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक एग लें, क्योंकि फार्म एग्स में जो होता है वो हार्मोन्स इंजेक्टेड होते हैं और वो सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है, स्पेशली एक लड़की के लिए। आपने लेना है एक एग, फिर डेयरी के लिए आपने लेना है चीज़, एक स्लाइस चीज़ आपने, सॉरी एक ट्राइंगल चीज़ आपने। हमेशा जो है इस फॉर्म ऑफ चीज़, ट्राइंगुलर चीज़ को लेना है, क्योंकि इसमें होती हैं सिर्फ 40 कैलोरीज। बनिस्बत क्रीम चीज़ के, क्रीम चीज़ का 1 टेबल स्पून 100 कैलोरीज़ के बराबर होता है। तो ये आपको मैं मना करूँगी कि आप ये मत यूज़ करें। ये हो गया हमारा डेयरी, ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया आपके कार्ब। ब्रेकफास्ट का जो आपका वेजिटेबल ऑफ फूड है वो हम बाद में एज अ स्नैक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये आपकी चाय, चाय में आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून एवरी डे यूज़ करना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून। और अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 3 टेबल स्पून दूध आप इसमें डालेंगे, अगर आप लिक्विड मिल्क यूज़ कर रहे हैं। शुगर में इस डाइट में फॉरबिडन है, आपको जहर आपके लिए शुगर। शुगर से होता यह है कि अगर आप नेचुरल शुगर ना लें और प्रोसेस शुगर लें, तो जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में फ़ौरन जो है वो शामिल हो जाती है, और नेचुरल शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है। शामिल हो जाती है, तो जब आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाते फौरी तौर पे, या आप बर्न नहीं कर पाते, तो वो बन जाती है फैट। एक्सेसिव शुगर जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में है, जो प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड चीनी से आती है, वो बन जाती है फैट। तो मैं आपको कहूँगी या तो आप कैंडल यूज़ करें, ये भी मैं आपको मना करूँगी क्योंकि ये होता है केमिकल। इसकी ऑल्टरनेटिव जो बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, वो होता है स्टीविया। आजकल मार्केट में शॉर्ट हुआ है, इसलिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है। स्टीविया एक छोटा सा पत्ता होता है जो नेचुरली तौर पे बहुत स्वीट होता है, उसको ड्राई करके वो यूज़ करते हैं, और यकीन माने उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा आपकी वैसे पत्ते का कुछ खा रहे हैं फॉर्म, आपको बिल्कुल नेचुरल शुगर ऐसा ही टेस्ट आएगा उसमें। ये हो गया आपका टाइप 1। जब भी आपको एग, आप उसको बना सकते हैं ऑमलेट के तौर पे, उसमें आप डाल दें स्पिनेच, मशरूम्स, कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं उसमें। एग बनाने के लिए अगर आप ऑमलेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें कुकिंग स्प्रे। ये बहुत ही कम स्टोर्स में अवेलेबल होता है। कुकिंग स्प्रे से होता यह है कि जस्ट एक स्प्रे में सिर्फ होती है 0 कैलोरीज, मतलब आपने यूज़ कर लिया ऑयल और आपको पता भी ना चला। ये इसमें आप कुकिंग स्प्रे यूज़ करते हुए आप अपना कोई भी खाना बनाएं, चाहे वो लंच बनाएं, चाहे अपना मील डिनर बनाएं, कोई सा भी मील बनाएं, आप यूज़ करें कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी बनिस्बत जब चमचे के हम डालते हैं वो कम जाती है। ये हो गया आपका पहला मील, पहला टाइप ऑफ योर ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टाइप पर।
दूसरे टाइप में क्या है, उसमें आपने यूज करना है एक चीज, उसके साथ एक स्लाइस पापे का, और फिर उसके बाद एक चाय। ये हो गया आपका टाइप टू। फिर टाइप थ्री जो है, उसमें आप रिप्लेस कर देंगे चीज को पापे के साथ। पापे वाला ऑप्शन मैं हमेशा आपको कहूँगी कि आप उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स प्रोसेस्ड, और प्रोसेस्ड में हिडन शुगर होती है जो कि आपका वेट लूज करने में थोड़ी सी दुश्वारी पैदा करती है। और टाइप फोर जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लें, क्योंकि वो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें आपको लेना है क्वेकर का वाइट ओट्स। 3 टेबल स्पून आपने लेना है क्वेकर का वाइट ओट्स, या तो आपने इससे मेजर करना है 1/3 कप ऑफ ड्राई अनकुक ओट्स। इसको आप किसी भी फॉर्म में बनाएं, अगर आप मीठे के फॉर्म में बना रहे हैं तो आपने डालना है 1/2 कप फ्रूट्स इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये खाया तो आपको 1-2 घंटे बाद फिर भूख लगेगी और आप करेंगे बिंज ईट। और अगर आप ओट्स को, मैं ओट्स मीठा नहीं पसंद करती, तो मैं ओट्स में डालती हूँ 1/2 कप ऑफ वेजिटेबल्स। कोई सी भी वेजिटेबल्स डालें, इसमें मिक्स डालें, सिर्फ एक ही डालें, या तो आप पीस डाल दें, या तो कैरेट्स डाल दें, या आप कैप्सिकम डाल दें, या तीनों का मिक्सचर डालें, आपके ऊपर है। ये हो गई आपकी 4 टाइप्स ऑफ आपका हो गया टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं आपके खाने पर। क्या करना है आपने लेनी है कार्ब के तौर पे, या तो 2 ब्राउन ब्रेड, अगर आपको ब्राउन ब्रेड नहीं पसंद तो आप लीजिए चावल, जी चावल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1/2 कप चावल आपने लेना है। 1/2 कप चावल नाप कर लीजिएगा, प्लीज अपने अंदाजे से मत लीजिएगा, क्योंकि ये पोर्शन कंट्रोल डाइट है, आपकी कैलोरीज इससे इंक्रीज हो जाती है। या तो आपने 1/2 कप चावल लिए, या फिर आपने 2 हथेली की साइज की आपने 2 चपातियाँ लेनी है, या आपका हो गया कार्ब। अच्छा, अब खाना क्या है? अगर शोरबे वाला सालन बना है तो आपने इसका लेना है 2 टेबलस्पून सालन लेना है आपने, इसका कोई सा भी सालन हो, आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून सालन लेना है। उसके साथ जो भी आपकी चीज़ है, अगर इसके साथ प्रोटीन है तो आप प्रोटीन रखें। मेरा इसमें जो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर कुकर में ज़्यादा ही गल गया था गोश्त, तो टूट गया है, तो आपने 2 पीसेस ऑफ लेना है मीट, 2 टेबलस्पून लेना है आपको सालन। उसके साथ सबसे ज़्यादा कंपल्सरी जो चीज़ है वो है सैलेड, क्योंकि ये आपका है फाइबर। ये हो गया आपका, और 2 टेबलस्पून दही लेना है। दही मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, लेकिन दही ज़रूर लेनी है। प्रोटीन हो गया, डेरी हो गया, वेजिटेबल हो गई, और ये आपकी कोई भी एक आप ऑप्शन चूज़ करके कार्ब खा सकते हैं। अगर तो आपके घर में सालन नहीं बना किसी दिन और उसमें है नहीं है कोई प्रोटीन, तो क्या करना है? घबराइए नहीं, आपको करना है जैसे कि ये मेरे पास है बैगन का भरता, आपने 2 टेबलस्पून कोई सा भी भरता लेना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून, और इसके साथ लेना है प्रोटीन। प्रोटीन किस फॉर्म में है? अगर तो आपके पास किसी दिन की बची हुई चिकन है तो आप 1/3 कप चिकन ले लेंगे इसके साथ प्रोटीन के तौर पे। अगर आपके पास चिकन भी मौजूद नहीं है और टूना फिश मौजूद है तो ये 150 का एक डब्बा होता है और ये आपका एक दिन आराम से चल जाएगा, तो आपने लेना है 1/3 कप ऑफ टूना फिश, लेकिन ऑयल में नहीं, पानी में होनी चाहिए ये टूना फिश, लाइट मीट टूना फिश है ये। या अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आपने बॉइल्ड 1/3 कप
आपने रेड बीन्स लेने हैं, बॉईल करके 1/3 कप मेजर करिएगा, या तो आपने 1/3 कप छोले लेने हैं बॉईल। मैंने बॉईल नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए 1/3 कप छोले आपने लेने हैं। अगर छोले भी नहीं है घर में, कोई मसला नहीं है, प्रोटीन के तौर पे आपने लेना है अपनी बॉइल्ड दाल। इसमें भगार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ले लिया 1/3 कप दाल, प्रोटीन आ गया आपका, आपका सालन आ गया, आपका आ गया सैलेड, और आपका आ गया कार्ड। ये हो गया आपका लंच और डिनर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके स्नैक पे, जो कि होगा ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद शाम में। आपको लेना है नाप कर गरम दूध। गरम दूध ही पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध नहीं पीना है, ना ठंडा दूध पीना है, क्योंकि आपको इससे और भूख लगेगी अगर गर्म दूध नहीं होगा। तो आपने लेना है नाप के 1/3 कप दूध। और इसके साथ लेना है नाप कर 12 पीसेस ऑफ आलमंड्स। ना एक ज़्यादा, कम तो आप खा सकते हैं, लेकिन 12 ज़्यादा ना लें। अगर आलमंड्स नहीं खाना, नहीं अवेलेबल, कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि हो गया आपका एप्पल, वो डाल दें। अगर एप्पल मौजूद नहीं है तो कोई और फ्रूट मौजूद है, या पीच डाल दें, या आपका हो गया स्नैक, या स्नैक ये नहीं अवेलेबल तो ये आपने लेना है 1/2 कप। अगर कोई भी सीडेड, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पीसेस वाला, जैसे कि अनार हो गया या ग्रेप्स हो गया, इसको कितना कंज्यूम करना, अक्सर इसकी क्वांटिटी की ज़्यादा खा लेते हैं, इसको भी आपने नाप की ही क्वांटिटी में खानी है। आपको लेना है 1/2 कप ग्रेप्स या अनार या कोई भी दूसरी चीज़ जो होती है। ये हो गया आपका 1/2 कप, 1/2 कप आपका मैंने नाप के ही रखा था इसमें, 1/2 कप ग्रेप्स। ये हो गया आपका स्नैक। इसके बाद आ जाते हैं सैलेड की टाइप पे। कभी कभी सैलेड किस तरह से बनाना है, सैलेड आपको बनाना है, आपकी बेस होगी क्यूकम्बर, हमेशा क्यूकम्बर आपकी बेस होगी। आप इसमें कोई भी चीज़ शामिल कर लें, मैंने इसमें कैप्सिकम शामिल कर ली, भी कोई और वेजिटेबल शामिल कर लें आप, या आप बॉइल्ड गोभी इसमें शामिल कर लें, या आप बॉइल्ड गाजर डाल दें, या गाजर आपको ऐसे ही पसंद है ऐसे डाल दें, बैगन डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन आपकी बेस ऑफ योर सैलड विल बी दिस। थैंक्स। या तो आप इसमें, अच्छा कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जब मैं बोर हो जाती हूँ क्यूकम्बर या वेजिटेबल्स खाते खाते, तो मैं क्यूकम्बर में अपने जो है, मैं एप्पल, 1/2 एप्पल डाल देती हूँ, या 1/2 पीच डाल देती हूँ, या 1/3 कप अंगूर डालती हूँ। मैं 1/3 कप से ज़्यादा अंगूर नहीं डालती, 1/2 कप अंगूर नहीं लेना है आपको अगर आप सैलेड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। एक अक्सर जो प्रॉब्लम जो मुझे पेश आती है, वो आती है कि जब आपको रात के वक्त अक्सर मीठा खाने का दिल जाता है, तब क्या किया जाए। ऑब्वियसली अगर आप कुछ मीठा खाएंगे तो आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी और आपका हो जाएगा, आपने जो पूरा दिन आपने जो बर्दाश्त, अपनी भूख बर्दाश्त करी, क्रेविंग बर्दाश्त करी, वो हो जाएगी ज़ाया। आपको लेनी है खज्जी, आप खज्जी खाइए, 2 खज्जी इज इनफ। अगर खज्जी अवेलेबल नहीं है तो 1 आपको खाना है डेट, या 2 खज्जी या 1 डेट, इससे ज़्यादा आपको मैं अलाउ नहीं करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको स्वीट की क्रेविंग हो रही है और आप बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ हैं। थैंक यू।